सूजी का हलवा आसानी से बनने वाला और बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाने वाला डिश है। इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ एक कटोरी सूजी, उससे थोड़ा सा कम चीनी और आधा कटोरी के करीब घी, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा गर्म दूध, जिसमें मैंने केसर डाल के इसको रख दिया है 10 मिनट के लिए। यहाँ पे मैं डाल देती हूँ कढ़ाई में घी। कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेंगे, फिर कढ़ाई में घी डाल देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे घी को गर्म कर लेंगे थोड़ी देर। उसके बाद में हम इसमें ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो चुके हैं, हम यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं कटोरी में। हमने ड्राई फ्रूट्स को निकाल लिया है, अब हम इसमें डालेंगे सूजी। सूजी को भूनने में 3 से 4 मिनट लगेगा। हम सूजी को अच्छे से भून लेंगे और एक चीज़ का ध्यान रखना कि गैस आपका यहाँ पे एकदम स्लो होना चाहिए, नहीं तो फिर सूजी घी बहुत ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि हम उसमें ड्राई फ्रूट्स पहले से रोस्ट करते हैं इसलिए घी बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो गैस का ध्यान रखें कि गैस को यहाँ पे एकदम स्लो रखना है। आप देख सकते हैं कि सूजी का कलर चेंज होने लगा है। जब इसका कलर चेंज हो जाए, आप देख सकते हैं ऐसे, आप अगर थोड़ा और डार्क रखना चाहते हैं तो ज़रूर आप उसे थोड़ा सा और डार्क कीजिए, नहीं तो मैं गैस को बंद कर दी हूँ। और अब यहाँ पे मैं पानी डालूँगी। यहाँ पे बहुत गर्म है ये, तो ध्यान से करें, नहीं तो आपको छींटे पड़ सकते हैं। और यहाँ पे फिर यहाँ पे मैं चीनी डाल देती हूँ। पानी डाला 1 गिलास, चीनी डाल दी हूँ 1 कटोरी। उसके बाद में मैं डाल रही हूँ इसमें जो मैंने केसर और दूध को रखा था उसको डाल दिया, और आधा चम्मच कुटी हुई इलायची को डाल देंगे। फिर यहाँ पे मैं 2 कप दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। और उसके बाद में हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक लीड से इसको ढक देंगे। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि हलवा तैयार हो चुका है। यहाँ पे 3 से 4 मिनट तक हम पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे हलवा को। और मैंने ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए थे और रेडी है हलवा खाने के लिए। बहुत ही अच्छा बनता है सूजी का हलवा।